फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊं किस तरीके से आप एक मिर्च काटने की मशीन घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो इस मशीन को किस तरीके से बनाना है और इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ लेनी है, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, थोड़ा सा भी इसके मत करना। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और सबसे नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, किस तरीके से इस मशीन को बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस मशीन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह की एक 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की जो डीसी मोटर होती है वो आपको ले लेनी है। डीसी मोटर के बाद फ्रेंड्स, आपको इस तरीके का एक प्लास्टिक का बॉक्स आपको ले लेना है और इसके बाद आपको इस मोटर के कुछ स्क्रू ले लेने हैं। तो चलिए, इस मोटर को किस तरीके से इस बॉक्स में सेट करते हैं और उसके बाद हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो पहले मैं इस मोटर को इस बॉक्स में फिट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस मोटर को इस बॉक्स में फिट करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके का इसमें एक छेद कर लेना है, जिसमें जो हमारी मोटर है वो यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की साइड में फिट होगी और इसके जो स्क्रू है उसके लिए भी आपको यहाँ पे साइड में दो छेद कर लेने हैं। तो किस तरीके से इस मोटर को सेट करना है वो आपको करके दिखा देता हूँ। आपको पेन से यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है ताकि कोई भी इसका सुराग इधर उधर ना हो जाए। चलिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मोटर को फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरीके से इस बॉक्स में फिट कर लेना है। तो ये हमारी मोटर इस तरीके से इसमें फिट हो गई। तो यहाँ पे नीचे की साइड में हमें एक ब्लेड लगाना है। तो किस तरीके से ब्लेड लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लेड को मैंने कुछ इस तरीके से एक पत्ती में से काट के कैंची की मदद से इसे कुछ इस तरीके का बना लिया है। तो इसे मैंने पत्थर पर घिस लिया इसकी दोनों साइड को। तो इसे हमें मोटर में कसना होगा। तो मोटर में किस तरीके से इसे सेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मोटर में सेट करने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पेन में से इस तरीके का इसके ऊपर का एक यहाँ से इतना साइज इसका काट लिया पेन का और इसे मैं एक स्क्रू से इसके ऊपर यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो किस तरीके से सेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ब्लेड को फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरीके से इस पेन के टुकड़े के साथ यहाँ पे सेट कर लेना है। तो इसे हम मोटर में नीचे की साइड में लगाएंगे। तो चलिए, इसमें किस तरीके से इसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली इसे इस मोटर के ऊपर यहाँ पर रख के इसे आपको सिंपली नीचे की तरफ दबा देना है। तो हमारे जो ब्लेड है वो यहाँ पर सेट हो गया। और फ्रेंड्स, आपको इसे सावधानी से चलाना है वरना आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसे सावधानी से यूज करें। तो इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसकी किसी भी साइड में आपको मिर्ची के लिए यहाँ पर छेद कर देना है। तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पर इसमें एक छेद कर दिया है। आपको भी किसी भी गर्म चीज़ से या सोल्डिंग आयरन से इसमें छेद कर लेना है, लेकिन सावधानी के साथ। तो चलिए, अब इसे किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और फ्रेंड्स, आप इसमें स्विच भी यूज कर सकते हैं। आपको किसी भी एक साइड में यहाँ पर छेद करके स्विच को फिट कर देना है। बस आपको सीरीज में एक वायर का कनेक्शन उसमें जोड़ देना है। तो चलिए, मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारी जो मिर्च काटने की मशीन है वो यहाँ पर वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे 5 वोल्ट की बैटरी से लेकर 12 वोल्ट की बैटरी से इसे आसानी से चला सकते हैं, चाहे तो आप इसे चार्जर से भी चला सकते हैं। चलिए, मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी जो मशीन है वो यहाँ पे वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस मिर्ची काटने की मशीन को यहाँ पे 12 वोल्ट की जो बैटरी है उससे कनेक्ट कर दिया है और उसके साथ यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया है। आप इसमें किसी भी तरह का स्विच यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी मिर्ची ले ली है और एक यहाँ पर पलेट। तो चलिए, मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा जो मिक्सी कटर है वो यहाँ पर किस तरीके से काम करता है। चलिए, मैं आपको इसे दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारी जो मिर्ची है वो यहाँ पे कटी है। तो सिंपली मैं ऊपर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक मिर्ची काटने की मशीन घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें
और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला करूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।